तो इन पंक्तियों के साथ मैं इंदु जी को आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच। बहुत साहित्यकार, बहुत अच्छी कवियत्री उपस्थित हैं, जो मऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, हिंदी भोजपुरी में लिखती हैं और उनके अनेक काव्य संग्रह छप चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी एक गजल संग्रह फिर फिजा ये बदलेगी है, अनेक सम्मान। जी तो चार पंक्तियों के साथ उनका स्वागत करती हूँ। खिल रही है जो हल्की हल्की तबस्सुम इन लबों पर, खिल रही है जो हल्की हल्की तबस्सुम इन लबों पर, ये सुहाने मौसम का नहीं, ये सुहाने मौसम का नहीं इनकी शायरी का असर है, ये सुहाने मौसम का नहीं इनकी शायरी का असर है। इंदु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये मंच आपका है, आप आइए और अपनी कविता पाठ शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी शालिनी इंदु जी जी, और रजनी श्री, बहुत बहुत नमस्कार इंदु धन्यवाद। जी, और सबसे नमस्कार पहले इंदु जी। मैं उससे जी पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जी बहुत सारे सर श्रोतागण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पा जैन जी जुड़ चुकी हैं और अर्चना गोयल जी जुड़ चुकी हैं, अजय अंजाम जी। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सर हमें सुन रहे हैं। और नीलू मेहरा जी, शिल्पा जैन जी और बहुत लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाल जी और अजय अंजाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सभी का कि अगर श्रोता हैं तो हम हैं। श्रोतागणों के लिए सब बहुत बहुत जी बधाई के पात्र हैं हम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदु जी अब आप कहिए, जी आपका बहुत सबसे पहले काव्य मैं पाठ। एम चंद्रा मैजिक मैन एम चंद्रा को मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहती हूँ। इतना सराहनीय कार्य शुरू किया है और सभी को एक मंच प्रदान किया है, सारे कवियों को, सारे साहित्यकारों को, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इसके लिए मैं बार बार हृदय तल से हार्दिक आभार धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मैं हार्दिक नमन करती हूँ और शुरू करती हूँ माँ शारदे को याद करते हुए चार पंक्तियों से। खड़ी हूँ देर से ले अर्चना स्वीकार कर मायब, वाह खड़ी हूँ देर से ले अर्चना स्वीकार कर मायब, पतित हूँ मैं तुझो है पावनी उद्धार कर मायब, पतित हूँ मैं तू है जो पावनी उद्धार कर मायब, भला देखूं भला सोचूं भला ही बस सदा बोलूं, भला देखूं भला सोचूं भला ही बस सदा बोलूं, नई ऊर्जा नए भावों का बस संचार कर मायब, नई ऊर्जा नए भावों का बस संचार कर मायब। और इसके बाद एक कविता रखती हूँ अपनी अपनी, और उसके बाद कुछ गजलें रखना चाहूंगी। जिंदगी एक सवाल, जिंदगी एक सवाल, मौसम बदल रहा है पर मन वाह उदास है, मौसम बदल रहा है पर मन उदास है, न जाने क्यों कुछ टूट रहा है अंदर, कुछ टूट रहा है अंदर, कुछ बिखर सा गया है चारों ओर, कुछ बिखर सा गया है चारों ओर, घुल गई है हवाओं में ये कैसी गंध, घुल गई है हवाओं में ये कैसी गंध, जो मन की डोरी को खींच रही है कर रही है बेचैन, जो मन की डोरी को खींच रही है कर रही है बेचैन, प्रकृति ने गाया है कोई ऐसा राग, प्रकृति ने गाया है कोई ऐसा राग, पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी बदले बदले से आते हैं नजर, जाने कैसा रंग घोल गया है ये मौसम, जाने वाह कैसा रंग घोल गया है ये मौसम, गूंजते हैं कई सवाल कानों में, गूंजते हैं कई सवाल कानों में, ढूंढता रहता है मन उन सवालों के जवाब, ढूंढता रहता है मन उन सवालों के जवाब, पर नहीं मिलता किसी सवाल का जवाब, पर नहीं मिलता किसी सवाल का जवाब, एक अजीब सी उलझन है जिंदगी, एक अजीब सी उलझन है जिंदगी, या फिर कोई अनसुलझी पहेली, या फिर कोई अनसुलझी पहेली,
उलझ जाता है मन बार बार, उलझ जाता है मन बार बार, कोई भी नहीं दे पाता है जवाब, जिंदगी एक सफर है या कि रास्ता, जिंदगी एक सफर है या कि रास्ता, जिस पर चलते चलते हो जाती है शाम, जिस पर चलते चलते हो जाती है शाम, नहीं मिलती है कभी मंजिल और नहीं मिलता कभी आराम, और नहीं मिलता कभी आराम, बस चलते रहना कभी न रुकना, बस चलते रहना कभी न रुकना, यही है हमारा काम, छिपाए है भविष्य की गर्त में न जाने कितने प्रश्न, छिपाए है भविष्य की गर्त में न जाने कितने प्रश्न, क्या है कोई तरीका जिससे पा जाए इसका हल, क्या है कोई तरीका जिससे पा जाए इसका हल। और सभी को धन्यवाद जो दर्शक दीर्घा में देख रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं मुझे, बहुत खूब बहुत खूब। और इसके बाद एक और कविता है, दिल्ली की सड़कों पर ले चलती हूँ आपको, और इस कविता के माध्यम से मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करती हूँ और उनको समर्पित करती हूँ जो सड़कों पर रोजी रोटी कमाने निकले हैं, उनके लिए ये समर्पित कविता है। शीर्षक कविता का वह लड़का। देखा है कई बार उसे सड़कों पर, देखा है कई बार उसे सड़कों पर नारियल बेचते हुए, देखा है कई बार उसे सड़कों पर नारियल बेचते ही भेजते हुए, जैसे ही चौराहे पर लाल बत्ती जलती है, जैसे ही चौराहे पर लाल बत्ती जलती है, आंखों में उसके आ जाती है चमक, आंखों में उसके आ जाती है चमक थोड़ी, हाथ पैर हो जाते हैं कर्मरत, हाथ पैर हो जाते हैं कर्मरत, कुछ कमाने के लिए कुछ पाने के लिए भूख मिटाने के लिए, कुछ कमाने के लिए कुछ पाने के लिए भूख मिटाने के लिए, रुकी हुई गाड़ियों के शीशे खटखटाता है, रुकी हुई गाड़ियों के शीशे खटखटाता है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी तक जाता है, उम्मीद से भरी होती हैं आंखें, उम्मीद से भरी होती हैं आंखें, आशा की फूट जाती है एक किरण, बुनने लगता है हजारों स्वप्न, बुनने लगता है हजारों स्वप्न, पूरा करने को हो जाता है तैयार, दो रोटी का करने को इंतजाम, पर किसी ने नहीं लिए नारियल के टुकड़े, पर किसी ने नहीं लिए उससे नारियल के टुकड़े, देखकर उसके गंदे हाथ और वस्त्र, बत्ती हरी हुई कि उम्मीद से भरी आंखें बुझ गई, बत्ती हरी हुई कि उम्मीद से भरी आंखें बुझ गई, भूखे पेट की आग हो गई शांत, फिर बैठ गया करने लगा इंतजार, फिर बैठ गया करने लगा इंतजार, बत्ती के लाल होने का, मैंने पल भर में ही उसके मन की बत्ती को जलते और बुझते देखा, मैंने पल भर में ही उसके मन की बत्ती को जलते और बुझते देखा, आगे बढ़ गई लेकिन वह लड़का मेरे मन में चल रहा है आज तक, लेकिन वह लड़का मेरे मन में चल रहा है आज तक, उसके पीछे न जाने कौन सी मजबूरी थी, न जाने दिन भर की इस मेहनत का फल कुछ मिला, दो रोटी का कर पाया क्या जुगाड़, या सो गया होगा भूखे पेट उसका परिवार, सोचती हूँ क्या है उसका भविष्य, ये तमाम प्रश्न कर रहे हैं आंदोलित मुझे, ये तमाम प्रश्न कर रहे हैं आंदोलित मुझे, चाह कर भी नहीं कर सकी कुछ भी मैं उसके लिए, ऐसे अनेक लोग हैं, ऐसे अनेक लोग हैं उसकी तरह, सड़कों पर बैठ रोटी कमाने की कोशिश में लगे हैं, सड़कों पर बैठ रोटी कमाने की कोशिश में लगे हैं, जल और बुझ रहे हैं लाल और हरी बत्ती की तरह, जल और बुझ रहे हैं लाल और हरी बत्ती की तरह। धन्यवाद सभी को, और आगे मैं चलती हूँ जी। धन्यवाद, मेरी आवाज स्पष्ट है रजनीश जी? बहुत सुंदर आवाज, बहुत शानदार जी, बिल्कुल स्पष्ट है, और बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रही हैं आप, बहुत धन्यवाद। और मैं रखती हूँ, एक गजल आपको पसंद आएगी जी। स्वागत है आपका, स्वागत। मेरी बेचे निहा बढ़ाता है, मेरी बेचे निहा बढ़ाता है, मेरी ख्वाबों में जब वो आता है, मेरी ख्वाबों में जब वो आता है। और रजनीश जी शेर देखिए, कैसी आँखों में उसके पढ़ लूँ मैं, कैसे आँखों में उसके पढ़ लूँ मैं,
उसे वो आंख कब मिलाता है, उसे वो आंख कब मिलाता है। और शालिनी जी ये शेर आपके लिए, उसकी आदत ही बन गई है ये, उसकी आदत ही बन गई है ये, मुझको हर बात पे रुलाता है, मुझको हर बात पे रुलाता है, मेरी बेचैनियां बढ़ाता है। और आज के जमाने की हकीकत इस शेर के माध्यम से, बात दिल की भला करी कैसे, बात दिल की भला करे कैसे, वो न सुनता नहीं सुनाता है, वो न सुनता नहीं सुनाता है, मेरी बेचैनियां बढ़ाता है। और अगला शेर रखती हूँ, पैरवी क्यों मैं उसकी करती हूँ। धन्यवाद आशा जी, स्वागत। पैरवी क्यों मैं उसकी करती हूँ, मुझसे हर बात जब छुपाता है, मुझसे हर बात जब छुपाता है, मेरी बेचैनियां बढ़ाता है। और अंतिम शेर रखती हूँ आपके सामने, स्वागत है स्वागत। सुने में रियब बढ़ा कर वो, उलझने में रियब बढ़ा कर वो, मन ही मन खुद तो मुस्कुराता है, मन ही मन खुद तो मुस्कुराता है, मेरी बेचैनियां बढ़ाता है। धन्यवाद सभी को। और आगे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद शालिनी जी, धन्यवाद रजनीश जी। मैं चाहती हूँ जी, बहुत जी, मैं चाहती हूँ तो जी। बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रही हैं आप, और बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा उनका नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि हमारे साथ बने रहे, और एनिस अहमद जी, शिल्पा जैन जी, अजय अंजाम जी, और हीरो वाधवानी जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, और अर्चना मिश्रा जी, अर्चना गोयल जी, कमांडो कमांडो समोद जी, लव कुमार प्रणय जी, शिव दधीच जी, और आशा दिनकर जी, कमलेश जी, कमलेश सक्सेना जी, उनका काव्य पाठ भी है थोड़ी देर में, और राजेंद्र निगम जी, बहुत बहुत सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और सभी से गुजारिश करती हूँ कि हमारे समय कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा, ताकि हमें उत्साहवर्धन मिले और हम अच्छे से कार्य करें। और इंदु जी के लिए बहुत बहुत ताली बजाना चाहूंगी कि बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रही है, और अपना काव्य पाठ चालू रखिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। और सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ, और आगे चलती हूँ। मेरी हौसला अफजाई करते रहें आप लोग, ऐसी उम्मीद रखती हूँ, और आगे एक गजल और रखती हूँ तहत में। जी स्वागत है आपका। जिंदगी का हल यूं परचा कर लिया, जिंदगी का हल यूं परचा कर लिया, खुद का ही कद हमने बौना कर लिया, खुद का ही कद हमने बौना कर लिया। और अगला शेर रखती हूँ दर्शकों के लिए है, कि आदमी बिकने लगा बाजार में, आदमी बिकने लगा बाजार में, खुद को जैसे उसने सौदा कर लिया, खुद को उसने जैसे सौदा कर लिया, खुद का ही कद हमने बौना कर लिया। और अगला शेर भी दर्शकों को समर्पित करती हूँ, कि राज की बातें रहें सब राज ही, राज की बातें रहें सब राज ही, इसलिए हमने तो पर्दा कर लिया, इसलिए हमने तो पर्दा कर लिया, खुद का ही कद हमने पौना कर लिया। और अगला शेर रखती हूँ, कि
खत जला डाले सभी उसके मगर, खत जला डाले सभी उसके मगर, हर इबारत को ही किस्सा कर लिया, हर इबारत को ही किस्सा कर लिया, खुद का ही कद हमने बौना कर लिया। और अगला शेर है कि कुछ न आई काम जब चालाकियां, कुछ न आई काम जब चालाकियां, कुछ न आई काम जब चालाकियां, खुद को जैसे खुद को मैंने फिर से बच्चा कर लिया, खुद को मैंने फिर से बच्चा कर लिया, खुद का बहुत बहुत कर लिया। और अगला शेर रखती हूँ कि अपनी बाजी वो न हारेंगे कभी, अपनी बाजी वो न हारेंगे कभी, जिसने पेचो खम को सीधा कर लिया, जिसने पेचो खम को सीधा कर लिया, खुद का ही कद हमने बौना कर लिया। और अगला शेर रखती हूँ कि जब बहस बढ़ने लगी थी दरमिया, जब बहस बढ़ने लगी थी दरमिया, मौन रहने का इरादा कर लिया, मौन रहने का इरादा कर लिया, खुद का ही कदम हमने बौना कर लिया। और अगला शेर रखती हूँ कि दिल का प्याला दर्द से छलका है जब, ध्यान से सुने रजनीश जी, बहुत ही प्यारा शेर है कि दिल का प्याला दर्द से छलका है जब, दिल का प्याला दर्द से छलका है जब, मुस्कुरा के दर्द हल्का कर लिया, मुस्कुरा के दर्द हल्का कर लिया, खुद का ही कदम बौना कर लिया। और मक्ता रखती हूँ, मक्ता भी बहुत प्यारा है, देखिए कि बच के रहना है शराबों से किरण, शराब में मृग तृष्णा को कहते हैं शराब, बच के रहना है शराबों से किरण, बच के रहना है शराबों से किरण, आज ये खुद से ही वादा कर लिया, आज ये खुद से ही वादा कर लिया, खुद का ही कदम बौना कर लिया। शानदार, धन्यवाद सभी को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और रजनीश जी आपको कुछ बोलना है, दर्शकों को शुक्रिया अदा करनी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हैं, अभी मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, जैसे अजय अंजाम जी शुरू में जुड़े थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, हीरो वाधवानी जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, अर्चना मिश्रा जी, और कमांडो कमोद समोद जी, लव कुमार विनय जी, शिव दधीच जी, आशा दिनकर, कमलेश सक्सेना जी, राजेंद्र निगम जी, प्रेम बिहारी मिश्रा जी और इंदु निगम जी। इसके साथ ही मैं चार पंक्तियां कहना चाहूंगी और आपको सांस भी मिल जाएगी। ऐ सितारो ठहरो वहीं, ऐ सितारो ठहरो वहीं, बाहें तो जरा फैलाने दो, ऐ सितारो ठहरो वहीं, बाहें तो जरा फैलाने दो, कुछ देर और रुक जाओ, थोड़ा मन तो बहलाने दो, किया है बरसों इंतजार, किया है बरसों इंतजार, यह नजारा पाने के लिए, आ जाना मेरी आगोश में, आंचल तो फैलाने दो, आंचल तो फैलाने दो। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों को मेरा भी हार्दिक नमन करती हूँ। मिश्रा जी हैं साथ में, उनको नमस्कार प्रणाम, और सभी दर्शकों को मैं नमन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई मेरा कर रहे हैं। मैं आपके सामने गीत रखना चाहती हूँ, सुने, मैं बेटी हूँ वही लेकिन मेरी बदली कहानी है, मैं बेटी हूँ वही लेकिन मेरी बदली कहानी है, मुझे कहना नहीं पगली, ये गुड़िया अब सयानी है, मुझे कहना नहीं पगली, ये गुड़िया अब सयानी है। धन्यवाद। और अंतरा रखती हूँ, मुझ में जोश इतना मैं जमाने को दिखा दूंगी, है मुझ में जोश इतना मैं जमाने को दिखा दूंगी, मुसीबत जब कोई आए तो हंस कर मैं भगा दूंगी, नहीं करना भरोसा अब किसी की प्यारी बातों पर, नहीं करना भरोसा अब किसी की प्यारी बातों पर, मुझे हर राह अपने
रास्ते अब खुद बनानी है मुझे, हर राह अपने वास्ते अब खुद बनानी है। मैं बेटी हूँ वही लेकिन मेरी बदली कहानी है। और अगला शेर रखती हूँ, अगला अंतरा रखती हूँ कि मेरे ही हौसले से चांद सूरज सिर झुकाते हैं, मेरे ही साथ चल के ये मुझे राहें दिखाते हैं, मेरे ही हौसले से चांद सूरज सिर झुकाते हैं, मेरे ही साथ चल कर ये मुझे राहें दिखाते हैं, कुदरत भी है मेरे साथ सभी को मैं बता दूंगी, मैं बेटी हूँ वही लेकिन मेरी बदली कहानी है, मुझे समझो नहीं अबला, मुझे समझो नहीं अबला, कहानी ये पुरानी है, मुझे समझो नहीं अबला, कहानी ये पुरानी है, मैं बेटी हूँ वही लेकिन मेरी बदली कहानी है। और अगला अंतरा रखती हूँ, सृष्टि हूँ मैं शक्ति हूँ मुझे तुम क्या मिटाओगे, मैं सृष्टि हूँ मैं शक्ति हूँ मुझे तुम क्या मिटाओगे, पनाहों में मेरे रह कर सदा ही मुस्कुराओगे, पनाहों में मेरे रह कर सदा ही मुस्कुराओगे। बहुत इतनी धन्यवाद है मुझ में आग इतनी, हर बुराई मैं जला दूंगी, उसी झांसी की रानी की रगों में भी रवानी है, उसी झांसी की रानी की रगों में भी रवानी है, मैं बेटी हूँ वही लेकिन मेरी बदली कहानी है। सभी को धन्यवाद, विमिश्रा सर बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार पढ़ रही हैं आप, बहुत शानदार, धन्यवाद। प्रेम बिहारी मिश्रा जी कह रहे हैं राह अपने वास्ते अब खुद बनाती हैं, ये उनको बहुत अच्छा लगा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद सर, हार्दिक नमन करती हूँ मैं। और रजनीश जी और लोगों के नाम ले लीजिए जो लोग जुड़े हैं, तो मैं आगे चलूँ। हाँ, वो बहुत शुरू से बने हुए हैं, और शिव दधीत जी हैं, आशा दिनकर जी हैं, और कमलेश सक्सेना जी हैं, रजिंदर निगम जी हैं, इंदु निगम जी हैं, और प्रेम बिहारी मिश्रा जी, बहुत शुरू से बने हुए हैं, सभी आपके काव्य पाठ को बहुत पसंद कर रहे हैं, और आप कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। धन्यवाद रजनीश जी। और एक गजल रखती हूँ, नदी के किनारे की हर धार पढ़ना, नदी के किनारे की हर धार पढ़ना, लिखा लहर पे उस को हर बार पढ़ना, लिखा लहर पे उस को हर धार पढ़ना। और शेर रखती हूँ रजनीश जी आपके लिए, अगर पढ़ सको तुम कभी मेरी आंखें, अगर पढ़ सको तुम कभी मेरी आंखें, तो आंखों का सोना वो संसार पढ़ना, तो आंखों का सोना वो संसार पढ़ना, लिखा लहर पे उसको हर बार पढ़ना। और शालिनी जी आपके लिए शेर रखती हूँ, नहीं कोई दौलत मोहब्बत से बढ़के,
नहीं कोई दौलत मोहब्बत से बढ़ के, अगर कुछ भी पढ़ना फकत प्यार पढ़ना, अगर कुछ भी पढ़ना फकत प्यार क्या बात, क्या बात, बहुत लिखा लहर पे उसको हर बार पढ़ना। बहुत शुक्रिया। और अगला शेर रखती हूँ, अजाबों ने रिश्तों को समझा दिया है, अजाबों ने रिश्तों को समझा दिया है, सिखा भी दिया है अब मिसमार पढ़ना, सिखा भी दिया है अब मिसमार पढ़ना, लिखा लहर पे उसको हर बार पढ़ना। और अगला शेर बहुत सुंदर, अगर बहुत सुंदर। पढ़ सको तो पढ़ो जिंदगी को, अगर पढ़ सको तो पढ़ो जिंदगी को, सबक सब मिलेंगे कई बार पढ़ना, सबक सब मिलेंगे कई बार पढ़ना, लिखा लहर पे उसको हर बार पढ़ना। और अगला शेर, अगर चाह है तुझ को भी इशरतों की इशरत मतलब धन दौलत ऐशो आराम, अगर चाह है तुझ को भी इशरतों की, अगर चाह है तुझ को भी इशरतों की, तो पैहम जमाने की रफ्तार पढ़ना, तो पैहम जमाने की रफ्तार पढ़ना, लिखा लहर पे उस को हर बार पढ़ना। और रखती हूँ, किरण तीरगी को हरा कर है निकली, किरण तीरगी को हरा कर है निकली, उसी की निगाहों से संसार पढ़ना, उसी की निगाहों से संसार पढ़ना, लिखा लहर पे उसको हर बार पढ़ना, नदी के किनारे की हर धार पढ़ना। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। शांति जी आपको भी और दर्शकों को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। और रजनीश जी नाम लेना चाहती हैं कुछ लोगों का, तो नाम ले लीजिए। और रजिंदर निगम जी हैं, प्रेम बिहारी मिश्रा जी हैं, इंदु निगम जी हैं, और रजिंदर जी कह रहे हैं बहुत ही खूबसूरत अर्थपूर्ण और शानदार गजल। प्रेम बिहारी जी कह रहे हैं किरण तिरगी को हराकर बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपकी गजल के उसमें शेर के जवाब में मैं यही कहना चाहूंगी, रंग बिरंगे रंग हैं, रंग बिरंगे रंग हैं, रंग बिरंगा साज, रंग बिरंगे रंग हैं, रंग बिरंगा साज, तन में तन मन मेरा हो गया रंग बिरंगा आज, तन मन मेरा हो गया रंग बिरंगा आज। तो आपके आपके काव्य पाठ से और आपके शेरो शायरी से जो हमें दिया उसके लिए मन गदगद हो गया, और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अपना काव्य पाठ कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद। माँ के लिए समर्पित कुछ पंक्तियां रखती हूँ। सुनी आँखों में भी वो सपने सजा देती है, सुनी आँखों में भी वो सपने सजा देती है, माकड़ी धूप में आंचल में छुपा देती है, माकड़ी धूप में आंचल में छुपा देती है, कर्ज हम उसकी मोहब्बत का उतारे कैसे, कर्ज हम उसकी मोहब्बत का उतारे कैसे, वो तो हर रोज मोहब्बत की दुआ देती है, वो तो हर रोज मोहब्बत की दुआ देती है, माकड़ी धूप में आंचल में छुपा देती है। बहुत सुंदर पंक्तियां देखिए, उसकी हर बात में है जान ये जादू कैसा, उसकी हर बात में है जान ये जादू
ही बात में हर बात बना देती है, माकड़ी धूप में आंचल में छुपा लेती है, उसकी बाहों में जमाने की है खुशियां सारी, उसकी बाहों में जमाने की है खुशियां सारी, घर की बाहों में वो जन्नत ही दिखा देती है, घर की बाहों में वो जन्नत भी दिखा देती है, माकड़ी धूप में आंचल में छुपा देती है। और अगली पंक्तियां देखिए, अपनी आंखों में वो कुछ ख्वाब सुहाने लेके, अपनी आंखों में वो कुछ ख्वाब सुहाने लेके, हमें कुछ ख्वाब नए रोज जगा देती है, हमें कुछ ख्वाब नए रोज जगा देती है, माकड़ी धूप में आंचल में छुपा देती है, उसकी हर एक चुहन लगती है मरहम जैसी, उसकी हर एक चुहन लगती है मरहम जैसी, एक बोसे से वो हर जख्म मिटा देती है, एक बोसे से वो हर जख्म मिटा देती है, माकड़ी धूप में आंचल में छुपा देती है। और अगली पंक्तियां देखें, उसकी ममता का नहीं मोल कोई दुनिया में, उसकी ममता का नहीं मोल कोई दुनिया में, अपनी ममता से ही अपनी ममता से ही जीना वो सिखा देती है, अपनी ममता से ही जीना वो सिखा देती है, माकड़ी धूप में आंचल में छुपा देती है। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। और जी, कुछ और लोग जुड़े हैं तो उन्हें धन्यवाद करती हूँ मैं। और जी, इस बीच में कनन झिंगन जी जुड़े हैं, पूजा कृष्णा जी जुड़ी हैं, अपूर्व माधव झा जी जुड़े हैं, पूर्व माधव झा जी कह रहे हैं बहुत बहुत शानदार, रेणु शर्मा जी जुड़ी हैं, पूजा कृष्णा जी कह रही हैं उनकी ममता का नहीं मोल बहुत अच्छा लगा उनको, और इंदु निगम जी, राम जी लाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर नागेश रोशन जी, सब जी। बहुत देर से सभी सुन रहे हैं आपको, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जी। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। भुजनी जी, आप कुछ पंक्तियां रखना चाहें तो रख दें आप भी। शालिनी जी, जी मैं इसके बीच में आपके सामने एक दोहा रखना चाहती हूँ जी। स्वागत है। माता से है घर बने, पापा से बाजार, माता से है घर बने, पापा से बाजार, जिस घर में दोनों रहें होता खुश परिवार, जिस घर में दोनों रहें होता खुश परिवार जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं भी कुछ दोहे रखती हूँ आपके सामने। आया बादल झूम के सूरज दिया छिपाए, आया बादल झूम के सूरज दिया छिपाए, नन्ही बूंदें गिर पड़ी धरती भी मुस्काए, नन्ही बूंदें गिर पड़ी धरती भी मुस्काए। और अगला दोहा रखती हूँ कि कोयल आओ पास में बांटे मन की पीर, कोयल आओ पास में बांटे मन की पीर, दर्द तुम्हारा जान के मन हो गया अधीर, दर्द तुम्हारा जान के मन हो गया अधीर। और माँ के लिए समर्पित है दोहा कि माँ का आंचल प्रेम का, माँ का आंचल प्रेम का जीवन का आधार, माँ का आंचल प्रेम का जीवन का आधार, खुशियां सारी मिल गई पाकर माँ का प्यार, खुशियां सारी मिल गई माँ कर पाकर प्यार। और अगला दोहा रखती हूँ कि नदी पिपासा खुद सहे, नदी पिपासा खुद सहे सबको बांटे नीर, नदी पिपासा खुद सहे सबको बांटे नीर,
आओ हम बांटें खुशी सबकी हर के पीर, आओ बांटें हम खुशी सबकी हर के पीर। बहुत सुंदर। कोरोना काल में ही लिखा गया कि श्रमिक हुए नाकाम अब, श्रमिक हुए नाकाम अब चाहे सुख की छांव, श्रमिक हुए नाकाम अब चाहे सुख की छांव, नंगे पांव चल पड़े बुला रहा है गांव, नंगे पांव चल पड़े बुला रहा है गांव। और अगला दोहा है कि मीठी वाणी बोल के तन का करो श्रृंगार, मीठी वाणी बोल के तन का करो श्रृंगार, खुद को भी खुशियां मिले अपना हो संसार, खुद को भी खुशियां मिले अपना हो संसार। और अगला दोहा रखती हूँ कि अहंकार जिसको छुआ, अहंकार जिसको छुआ गाता खुद का गान, वो अपने आगे किसी और की नहीं सुनता, तो अहंकार जिसको छुआ गाता खुद का गान, मानवता रख ताक पर, मानवता रख ताक पर बन बैठा भगवान, मानवता रख ताक पर बन बैठा भगवान। और अगला दोहा रखती हूँ कि मात पिता के बिन कहाँ कोई पालनहार, मात पिता के बिन कहाँ कोई पालनहार, उन हाथ उनका सर पे है महके ये संसार, महके ये संसार। और एक धन्यवाद। और इसके बाद आपको कुछ कहना है दर्शकों से रजनीश जी? जी बिल्कुल, दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी और लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, बहुत देर से बने हुए हैं, प्रेम बिहारी मिश्रा जी हैं, नीलू मेहरा जी हैं, आशा जैन जी जुड़ी हैं, वाह क्या बात कह रही हैं, और रेणु शर्मा जी बहुत सुंदर कह रही हैं, और पूजा कृष्णा जी बहुत सुंदर दोहे कह रही हैं, राजेंद्र निगम जी बहुत सुंदर कह रहे हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपके आपने जैसा के दोहे कहे तो एक दोहा शिक्षा के लिए कहना चाहूंगी, शिक्षा बिन जीवन नहीं, शिक्षा बिन जीवन नहीं खूब बढ़ाए मान, शिक्षा बिन जीवन नहीं खूब बढ़ाए मान, जो पाए आगे बढ़े वरना सब वीरान, वरना सब वीरान। जी शिक्षा बहुत जरूरी है, तो इसी के साथ मैं माइक आपको समर्पित करती हूँ, आप आगे और सभी दर्शकों को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे साथ बने हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक रोशन जी मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हें नमन करती हूँ, मिश्रा जी को प्रणाम करती हूँ, और इंदु निगम मेरी सखी हैं, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। और मैं पुरानी जमीन है लेकिन मेरी अपनी गजल है पुरानी जमीन पर, तो रखती हूँ, ध्यान से सुने आप जी, स्वागत है। दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, जख्म दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, खुद को अखबार बनाने की जरूरत क्या है, खुद को अखबार बनाने की जरूरत क्या है। और शेर रखती हूँ, बहुत खूब बहुत खूब। इश्क की राह में भटका है जो तन्हा तन्हा, इश्क की राह में भटका है जो तन्हा तन्हा, उसको अब और सताने की जरूरत क्या है, उसको अब और सताने की जरूरत क्या है। देखिए शेर, रंजिशे दिल में लिए हाथ बढ़ाता है जो, रंजिशे दिल में लिए हाथ बढ़ाता है जो, उनसे फिर हाथ मिलाने की जरूरत क्या है, उनसे फिर हाथ मिलाने की जरूरत। बहुत बढ़िया, हाथ मिलाने की जरूरत क्या, बिल्कुल सही। धन्यवाद जी। गौर फरमाते नहीं जब वो तेरी बातों पे, गौर फरमाते नहीं जब वो तेरी बातों पे, आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या है, आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या है,
खुद को अखबार बनाने की जरूरत क्या है। और अगला शेर रखती हूँ, सिर्फ बातों से निभाते हैं मरासिम वो तो, सिर्फ बातों से निभाते हैं मरासिम वो तो, फर्ज इस तरह निभाने की जरूरत क्या है, फर्ज इस तरह निभाने की जरूरत क्या है, खुद को अखबार बनाने की जरूरत क्या है। जब वो सुनता ही नहीं बात कभी औरों की, जब वो सुनता ही नहीं बात कभी औरों की, मशवरा अपना सुनाने की जरूरत क्या है, मशवरा अपना सुनाने की जरूरत क्या है। और मक्ता रखती हूँ कि है किरण आज हवाओं ने किया है बेघर, है किरण आज हवाओं ने किया है बेघर, आशिया है से बनाने की जरूरत क्या है, आशिया है से बनाने की जरूरत क्या है, खुद को अखबार बनाने की जरूरत क्या है। बहुत सुंदर जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत शानदार शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जी, मैं इसके जवाब में कुछ कहना चाहूंगी। जी जी जी, स्वागत इंदु जी, मैं इसके जवाब में कुछ कहना चाहूंगी। जी जी, स्वागत है। हम हर बात पर यूं ही मुस्कुरा तो देते हैं, हम हर बात पर यूं ही मुस्कुरा तो देते हैं, इन आंखों का क्या करें जो हर राज खोल देते हैं। आपने कहा ना अखबार बनाने की जरूरत क्या है, तो मैं कहती हूँ इन आंखों का क्या करें जो हर राज खोल देते हैं। बहुत सुंदर गजल थी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रजनीश जी, आपको भी कुछ कहना है? नहीं, आपको पढ़िए, आपको अब समय होने को है, 10 मिनट बचे हैं आपके पास, आप पढ़िए। जी जी, चलिए, सभी दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सभी को मैं नमन करती हूँ। राजेंद्र निगम जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार, सभी को मैं नमन करती हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, आप लोग मेरे साथ मुझे सुन रहे हैं। और एक गजल और रखती हूँ, देखे, बीच लहरों को सुनाया होगा गीत, लहरों ने समुंदर को सुनाया होगा, चैन कुछ देर को उसको भी तो आया होगा, चैन उस कुछ देर को उसको भी तो आया होगा, गीत लहरों ने समुंदर को सुनाया होगा, गीत लहरों ने समुंदर को सुनाया होगा, उम्र भर साथ भला कोई कहाँ देता है, उम्र भर साथ भला कोई कहाँ देता है, साथ चलता है जो अपने ही वो, साथ चलता है जो अपना ही वो साया होगा, साथ चलता है जो अपना ही वो साया होगा, गीत लहरों ने समुंदर को सुनाया होगा। और अगला शेर रखती हूँ शालिनी जी, देखिए, उसकी आंखों में समुंदर ही उतर आया है, उसकी आंखों में समुंदर ही उतर आया है, याद शिद्दत से उसे कोई
तो आया होगा याद शिद्दत से उसे कोई तो आया होगा गीत लहरों ने सुनाया होगा चैन कुछ देर को सुको भी तो आया होगा। और अगला शेर रखती हूँ देखिए आज तेरी हो गई रंगी नफजाएं अब तो आज फिर हो गई रंगीन फजाएं अब तो रंग उसने ही फजाओं में उड़ाया होगा रंग उसने ही फजाओं में उड़ाया होगा चैन कुछ दे तेरे को उसको भी तो आया होगा। और अगला शेर देखे उसके लहजे में ये दरिया सी रवानी क्यों है उसके लहजे में ये दरिया सी रवानी क्यों है रात फिर ख्वाब में उसको रात फिर ख्वाब में उसके कोई आया होगा रात फिर ख्वाब में उसके कोई आया होगा गीत लहरों ने समुंदर को सुनाया होगा। और अगला शेर दर्शकों को सौंपती हूँ खुद को दुनिया की निगाहों से बचाने के लिए खुद को दुनिया की निगाहों से बचाने के लिए उसने चेहरे को कई बार छुपाया होगा उसने चेहरे को कई बार छुपाया होगा गीत लहरों ने समुंदर को सुनाया होगा। और मक्का रखती हूँ ऐ किरण आज ये बेचैन परिंदे क्यों है ऐ किरण आज ये बेचैन परिंदे क्यों है आशिया उन हवाओं ने गिराया होगा आशिया उन हवाओं ने गिराया होगा गीत लहरों ने समुंदर को सुनाया होगा चैन कुछ दे तेरे को उसको भी तो आया होगा। शुक्रिया धन्यवाद रजनीश्री समय होने वाला है जी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं अपूर्व माधव जी हैं पूजा कृष्णा जी हैं कनन झिंगान जी हैं और अर्चना गोयल जी हैं नीलू मेहरा जी हैं और रेणु शर्मा जी प्रेम बिहारी मिश्रा जी बहुत सारे श्रोतागण बने हुए हैं और आपका काव्य पाठ इतना अच्छा लगा हमें बहुत अच्छा लगा तो मंत्रमुग्ध हो गए आपके काव्य पाठ में और बहुत खूबसूरत गजल कह रहे हैं प्रेम बिहारी जी और अभी आपके पास कई गजलें आपकी गजलें बहुत ही खूबसूरत जी धन्यवाद कि आपके पास 2.5-3 मिनट है तो उसमें आप सुना सकते जी छोटा सा जी छोटी सी गजल एक और रख देती हूँ जी आईना आज मैंने देखा है छोटी सी गजल है रखती हूँ आईना आज मैंने देखा है मेरी आँखों में कोई रहता है मेरी आँखों में कोई रहता है रखती हूँ हाल दिल का
भला कहीं कैसे हाल दिल का, भला कहीं कैसे सुनने वाला कोई न मिलता है, सुनने वाला कोई न मिलता है। आईना आज मैंने देखा है, मेरी आंखों में कोई रहता है। और एक शेर और रखती हूँ, स्वागत है। आकाश में घिरे बादल, अब तो आकाश में घिरे बादल, अब फजाओं ने रंग बदला है, अब फजाओं ने रंग बदला है। आईना आज मैंने देखा है, मेरी आंखों में कोई रहता है, मेरी आंखों में कोई रहता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं जी रजनीश जी, धन्यवाद। और बहुत शानदार काव्य पाठ रहा इंदु जी, बहुत सभी लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, तो बहुत सुंदर काव्य पाठ। चार लाइन कहना चाहूंगी बस आपके लिए। कुछ लोग दिल पर इस कदर उतरते हैं, कुछ लोग दिल पर इस कदर असर कर जाते हैं, जब भी मिले कुछ खास कर जाते हैं, मिलते तो हैं घड़ी भर के लिए, आपको सुनने की और ज्यादा चाह थी, मिलते हैं घड़ी भर के लिए, पर हर उस घड़ी दिल में उतर जाते हैं, पर हर उस घड़ी दिल में उतर जाते हैं। बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ इंदु मिश्रा जी, बहुत जी। मैं और द मैजिक मैन पटल आपका सुखद भविष्य की कामना करता है, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।